केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से सोने की एक बड़ी खेप पकड़ी गई है। आईटीबीपी के जवानों ने चीन से तस्करी कर लद्दाख में लाए गए 108 किलो सोने की खेप को जब्त किया है। इस मामले में दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों तस्कर लेह जिले के न्योमा सेक्टर में पकड़े गए हैं। अधिकारियों ने बताया है कि सोने की यह रिकॉर्ड जब्ती मंगलवार दोपहर करीब 1:30 पर की गई। आईटीबीपी की टीम दोपहर 1:20 पर इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब 1 किलोमीटर दूर सिरिगापले क्षेत्र में पहुंची। वहां टीम को खच्चरों के साथ दो संदिग्ध शख्स भी दिखाई दिए। गश्ती दल ने उनका पीछा किया और उन्हें रोकने की चेतावनी दी। दोनों रुक गए। गश्ती दल दोनों को अपने शिविर में ले आया। जब दोनों से पूछताछ की गई तो शुरुआत में दोनों ने बताया कि वो औषधीय पेड़ इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन बाद में जब गश्ती दल ने तलाशी ली तो बड़ी मात्रा में सोना बरामद हुआ। सोने के अलावा दो मोबाइल फोन, एक दूरबीन, दूध और खाने पीने का अन्य चीनी सामान, दो चाकू, एक टॉर्च और एक हथौड़ा भी बरामद किया गया। पूरे मामले पर आईटीबीपी का क्या कहना है, सुनिए। बढ़िया न्यूज शेयर करना चाहता हूँ। 9 जुलाई 2024 को लगभग दोपहर 1:32 PM लगभग में लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग पार्टी 21 बटालियन आईटीबीपी के टैक्ट हेडक्वार्टर कोयल से श्री दीपक भट्ट डिप्टी कमांडेंट की लीडरशिप में 21 जवानों का ग्रुप 8 से 15 तक मिशन पर थे। 9 तारीख की सुबह लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग अपने मिशन पर नरबुला टॉप से आगे इंटरनेशनल बाउंड्री की ओर जा रहे थे, तो उन्हें दोपहर के लगभग 1:20-1:30 के आसपास इंटरनेशनल बाउंड्री से अप्रोक्सीमेटली 1 किलोमीटर पहले दो सस्पेक्टेड पर्सन दिखाई दिए, जिन्हें पहचान के लिए पास बुलाने पर वो सीमा की ओर भागने लगे। पेट्रोल पार्टी द्वारा उनके पीछे करके पकड़ा गया। उनके कैंप की तलाशी लेने पर लगभग 108 kg गोल बार्स और चाइनीज फूड्स और अदर आइटम्स बरामद हुआ। एलआरपी के पार्टी लीडर द्वारा इसकी सूचना श्री अजय निर्मलकर कमांडेंट 21 बटालियन को दिया गई। श्री अजय ने एलआरपी ट्रूप्स को बरामद गोल अन्य सामान तथा अरेस्टेड स्मगलर को सेफली 21 बटालियन कोयूल में लाने के इंस्ट्रक्शन दिए गए, ताकि आगे की प्रक्रिया और जांच सिस्टर एजेंसीज के कोऑर्डिनेशन के साथ की जा सके। साथ ही हायर हेडक्वार्टर को अवगत कराया गया। ये एलआरपी नॉर्थवेस्ट फ्रंटियर के अंडर कमांड सेक्टर हेडक्वार्टर श्रीनगर द्वारा निगरानी और सीमा सुरक्षा के लिए एक साथ लॉन्च की गई पेट्रोल का हिस्सा है, जिन्हें विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखकर लॉन्च किया गया। ये भारत में इंटरनेशनल बाउंड्री पर अब तक की सबसे बड़ी गोल की बरामदगी है। सीज आइटम्स है गोल आइटम्स, गोल बार्स 1 केजी का, 108 bars, 108 kg, two mobile numbers, बाइनोकुलर एक, चाइनीज फूड आइटम्स जैसे फ्रैगन केक, लाओ बेजिंग मिल्क, 2 केन मिल्क लस्सी 2 पैकेट और नाइफ्स 2 और पोनीज 2, एक टॉर्च, एक हैमर, एक प्लायर्स और अरेस्ट डिटेन पर्सन का नाम है टेंजिन तारगे, करीबन 40 इयर्स का, फादर्स नेम शफिल वांगदूर और सेकंड पर्सन चेरिंग चांबा, एज 69 इयर्स अप्रोक्सीमेटली और फादर्स नेम नोबू दोर्जी, हैनले विलेज की निवासी। सभी फॉर्मेलिटीज का पालन किया गया। ये अवगत किया जा सकता है कि आईटीबी फोर्स को एमएचए द्वारा सीमा पर तलाशी और जब्ती करने के लिए भी अधिकृत किया गया है और आईटीबीपी फोर्स को तस्करी गतिविधियों पर जांच करने के लिए सीमा पर कस्टम्स की पावर का प्रयोग करने के लिए आईटीबीपी एक्ट में भी प्रोविजंस है। सस्पेक्टेड पर्सन से सिविल पुलिस, आईबी, अपना सिस्टर एजेंसीज और आईटीबीपी फोर्स द्वारा ज्वाइंट इंटरोगेशन की जाएगी और फॉलोअप्स भी अभी भी हो रही है।
जब सामग्री को सस्पेक्ट के साथ कस्टम्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को आगे की पूछताछ और लॉ के अनुसार आवश्यक कार्यवाही के लिए हैंडओवर कर दिया है। थैंक यू। बता दें कि अब तक सोने की तस्करी का मामला बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार बॉर्डर से होने की खबरें आती रही थी, लेकिन चीन से इतनी बड़ी मात्रा में सोने की तस्करी का यह पहला मामला है। आमतौर पर चीन सीमा पर सोने की तस्करी की बातें बेहद कम सामने आई हैं। गिरफ्तार किए गए दोनों लोगों को कस्टम डिपार्टमेंट को सौंप दिया गया है। कस्टम डिपार्टमेंट अपने स्तर से इस संवेदनशील मामले की तफ्तीश कर रहा है। टीम न्यूज़ स्टेट।